हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये शाज़िम उनका मॉर्निंग रूटीन है। वो जब सो करके उठता है तो उसे जब जैसी हल्की सी भी रोशनी दिखाई देती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बाहर देखने के लिए। जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो वो थोड़ी सी भी रोशनी देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बाहर की तरफ देखने के लिए। अभी शाज़िमन विंडो पे खेल रहा है, तब तक कि मैं उसके लिए जा कर के नाश्ता प्रिपेयर कर लूँगी। जैसे कि मैंने इंस्टा स्टोरी पे अपडेट किया था कि शाज़िमन को चिकन पॉक्स हो गए थे, तो आज मैं उसे नहलाऊँगी। ये शाज़िमन का नाश्ता है, मैं उसके लिए जो उसे अभी चिकन पॉक्स के टाइम में उसको बना करके दे रही थी, एक कप दूध के साथ में उसको केलॉग्स। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ओरिजिनल यूज़ कर रही हूँ। मैं उसे चॉकलेट फ्लेवर नहीं देना चाहती क्योंकि बच्चों के लिए फिर वो उस चीज़ में आदी हो जाते हैं कि उसे चॉकलेट ही खाना है, बाकी चीज़ों पे वो बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं खाने के लिए। तो मैंने उसके लिए बनाया है, बाकी जो बच्चे का वो मैं खुद खा लेती हूँ। ये शाज़िमन अपने नाश्ते को इन्जॉय कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लगता है टीवी देखते हुए नाश्ता करना। वो सुबह में आ करके सबसे पहले दादा के साथ खेलता है, खेलने के बाद में टीवी लगवा लेता है और उसके बाद वो नाश्ता पाता है। उसके शाज़िमन को कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टॉयज हैं उसके पास में, बहुत सारे कलर्स के साथ में उसे इन्जॉय करता है। जिस तरीके से मुझे चूड़ियाँ पहन के देखता है, वो ट्राई करता है कि मैंने इन रिंग्स को उसी तरीके से पहनूँ। बाकी वो डांस भी करता है, म्यूजिक शाज़िमन ने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया है, वो डांस भी कर चुका, वो खेल चुका है। अभी बाकी आकर के वो रूम में अपने छोटे टॉयज़ के साथ खेल रहा है। मैं उसके सारे टॉयज़ इसी तरीके से बास्केट में इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो अपने टॉयज़ खेलने में। उसे चेयर पे बैठ करके बहुत मज़ा आता है। और अब मैं जा करके अपनी सफाई वफाई कर लेती हूँ, जब तक कि वो अपने बाबा के साथ बैठ करके इन्जॉय कर रहा है। मैं उसके लिए उठन बना के लेके आती हूँ। ये मैंने उठन बना रही हूँ जो अगर घर में बच्चों के लिए बनाया जाता है किस तरीके से उन्हें नहलाना। तो मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब ऐसे नहलाते हैं बच्चों को काफ़ी दिन के बाद तो अगर उठन लगाना अच्छा होता है उनके लिए, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, रोज़ वाटर डाला है करीब 2 चम्मच के आसपास, और इससे इसमें पानी मिलाने के लिए ज़रूरत नहीं रहती। और कोकोनट ऑयल मेरे पास इस टाइम पे पैराशूट अवेलेबल था, आपके पास जो भी हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक पैक की तरह। बाकी उसको मिक्स करने के बाद में आप बच्चों को लगाएं और बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा रनी हो ताकि बच्चे को आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। मैं जब रूम में आई थी तो शाज़िमन अपने फेवरेट टॉय के साथ में लेटा हुआ था, उसे बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से देख। देखिए ये क्या है, मैं शाज़िमन को अच्छे से अप्लाई करके इसे बहुत अच्छी मसाज दे दूंगी। इससे उसको धीरे धीरे बच्चों को रगड़ना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अब मैं उसके कपड़े निकाल लिए थे, मैंने उसके लिए कॉलर वाली टी शर्ट निकाली थी, उसका पजामा निकाला था फुल, क्योंकि अभी इस टाइम पे उसको आदत हो गई है फुल कपड़े पहनने के लिए, तो इसलिए मैं उसे एकदम से हाफ नहीं पहना सकती। उसकी नैपी क्रीम, उसके लिए फेस क्रीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैंने उसे उठन लगाया है और उसके ग्रूमिंग किट, उसे नेल्स काटने के लिए उसको अभी मुझे पूरी तरीके से उसे क्लीन करना है। और उसके लिए एयरबड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है क्योंकि वो जब भी नहा करके आता है तो उसे अपने बाबा की तरह एयरबड ज़रूर चाहिए होती है। ये बहुत ही टाइम के बाद शाज़िमन ने पानी को हाथ लगाया था। यहाँ पे शाज़िमन बिल्कुल छोटे से बेबी बन करके बैठे हुए थे और
उनको टॉवल में लपेट करके बैठना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन वो इस टाइम पे चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था नहाने के बाद में। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद वो नहाया था। तो अब मैं उसे कम्प्लीटली ड्राई कर लूँगी और उसको पूरे अच्छे से वाइप करने के बाद मैं उसे कपड़े पहनती हूँ। शाहजहान इस टाइम पे सो चुका है, बहुत ही अच्छी नींद से आई है और वो काफ़ी देर तक के सोएगा। ये शाहजहान का फेवरेट टॉय है, ये हम लोगों ने मिनीसो से लिया था। ये शाहजहान हम लोग जब 6 महीने का था वो हम लोग के साथ मिनीसो गया था, तो उसने मिनीसो में ये टॉय खुद से पिक किया था। तब से लेके अब तक ये शाहजहान का बेस्ट फ्रेंड है। शाहजहान को इसे के अपने साथ में रखना, इसके साथ में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है।